हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को मम्मी के हाथ का अंबारी अचार की रेसिपी देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आए हैं चिल्काना धाम श्याम बाबा के दर्शन करने। यहाँ बहुत मान्यता है बाबा की। अगर आप श्याम बाबा के भक्त हो, कृष्णा के भक्त हो, तो डेफिनेटली आपने इस धाम के बारे में सुना ही होगा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, बट मेरे मम्मी पापा यहाँ हर 6 महीने में आते रहते हैं। आज सैटरडे का दिन था, भैया का ऑफ होता है, तो भैया ने कहा कि चलो आज मैं ड्राइव करके लेके चलता हूँ, क्योंकि ये पानीपत हरियाणा में है और हमारे घर से अराउंड 2 आवर्स लग जाते हैं यहाँ पे ड्राइव करते करते। और ये देखिए बाबा के दर्शन। यहाँ पे कहा जाता है जो बाबा बर्बरीक थे, उन्होंने एक तीर से इस पूरे पेड़ को भेदा था। मतलब इस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, सब में छेद हो रखा है। बहुत ही अमेजिंग लगा। सुबह सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। और दोस्तों, तीज आने वाली है, तो मैंने ये तीज के लिए बहुत ही प्यारा सा डार्क ग्रीन कलर का लहंगा लिया था, जिसमें ये हैंडमेड लटकन लगी हुई है। इसका मैंने एक रील भी पोस्ट किया था, शॉर्ट भी पोस्ट किया था। आई होप आपने देखा होगा। ये लहंगा बहुत सुंदर है। ये मैंने सिया फैशन से लिया था। सिया फैशन एक ऑनलाइन एथनिक वेयर ब्रांड है, जहाँ पर आप वेराइटी की क्लोथिंग ले सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी फॉर यू टू चेकआउट। सिया फैशन आपको सारे क्लोथिंग कस्टमाइज करके आपके अकॉर्डिंग भेज देते हैं, तो आप ज़रूर उनकी वेबसाइट चेकआउट करना। और ये काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल रेंज का लहंगा था और पहनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए अब मम्मी के हाथ का अंबारी का अचार रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मम्मी ने एक रात पहले इन्हें काट के धो के अच्छे से एक टावल पे सुखा दिया। आओ मैं आप सभी को अंबारी का अचार बनाना सिखाती हूँ। ये कल मैं अंबारी लाई थी, कुछ इस तरीके से देखिए ग्रीन ग्रीन होती है ये, और फिर इसको मैंने धो के और इसको हाफ हाफ पीस इसके बना लिए। बनाने के बाद इसको मैंने कॉटन के कपड़े पे रात भर पंखे की हवा में सुखा दिए। फिर इसको मैंने दोपहर में, इसको मैंने सुबह ऊपर धूप में सुखाया, 2 से 3 घंटे की धूप लगाई। अब इसका मैं अचार बनाने जा रही हूँ। और कितने दिन में रेडी हो जाता है इसका अचार? 2 से 3 दिन में बन के तैयार हो जाएगा अचार। इंस्टेंट अचार है मतलब? हाँ। ये 2 किलो अंबारी थी मेरी, इसमें मैंने डालने के लिए 1/2 किलो तेल धुआं उठने तक गरम कर लिया, और गरम करके फिर ठंडा कर लिया। अब जब मैं मसाला मिलाऊंगी तो तेल डालूंगी, तभी मसाला मिलाऊंगी इसमें अंबारी में। इसमें बेटा ये 4-5 बेसिक मसाले ही यूज होते हैं। एक तो सौंफ, मेथी, हींग, कलौंजी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी प्रिया आपको बता देगी। 1 किलो में 50 ग्राम सौंफ डाली है मोटी वाली, तो ये मेरी 2 किलो अंबारी थी, तो मैंने 100 ग्राम सौंफ डाली है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये मैंने 100 ग्राम ही मेथी डाली है इसमें, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये मेरी 2 किलो अंबार है, तो इसमें मैं 300 ग्राम नमक डालूंगी। तो 150 ग्राम तो ये मैंने डाल दिया, 150 ग्राम मैं और वेट कर रही हूँ। 2 किलो अंबारी में 40 ग्राम मिर्ची डाली है मैंने। अभी 20 हुई है, और डालो 20। हल्दी भी इसमें 40 ग्राम ही डलेगी। कलौंजी बस इतनी सी डालनी है, थोड़ी सी हींग। सौंफ और मेथी मैंने ड्राई रोस्ट की थी, इसको मैं दरदरा बना लूंगी। अब इसमें ये तेल डाल रही हूँ मैं। मम्मी आपने तेल को पहले पकाया क्यों? भाई मैंने तो अपनी दादी मम्मी से यही सुना है कि तेल पका के ही डालना चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई तेल नहीं डालना चाहिए अचार में। अच्छा, कोई रीजन, मतलब कोई होगा रीजन जो आपको भी नहीं पता। यहाँ पे अच्छे से तेल डाल के मिक्स कर लिया सारे मसालों के साथ। ये बहुत अमेजिंग अचार बनता है, खट्टा खट्टा, और इंस्टेंट 2-3-4 दिन में ही बन जाएगा। इसमें मैंने तेल मसाले सब मिला दिए हैं। अब इस पे एक कॉटन का कपड़ा बांध के कल की धूप और लगा के फिर मैं इसको जार में भर लूंगी। बस एक ही दिन की धूप? हाँ, एक ही दिन की। एक दिन 2 से 3 घंटे आज धूप लगाई थी, रात भर पंखे की हवा में सूख रहे थे ये। अच्छा अच्छा, मतलब कल दोपहर के बाद ये रेडी हो जाएगा और फिर धीरे धीरे खुद ही खट्टा हो जाएगा। अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
ऐसे कोई बेटे कॉटन की चुन्नी हो तो आप भी इसको इस तरीके से बांध लीजिएगा। आप लोग सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट अलोंग विद देयर क्वांटिटी चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं क्लियरली वहां पे मेंशन कर दूंगी, इफ इन केस आपको फ्यूचर में कभी अचार बनाना हो तो एट वन प्लेस आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट रहेगी। ये बेटा मेरी बहुत पुरानी डायरी है, आज से लगभग 35 साल पुरानी डायरी है। जब मैंने प्रिया की दादी, अपनी प्रिया की नानी, उनसे पूछ पूछ के सभी अचारों की रेसिपी लिख रखी है। च्यवनप्राश की रेसिपी लिख रखी है, चाट मसाला, गरम मसाला, ये फेस क्रीम बनाने की, ये सभी रेसिपी इसमें लिखी हुई है। अब तो आप वैसे भी सारे मसाले घर में ही बनाने लग गए हो ना, जब से वो न्यूज आई है कि मसाले बाजार से। सब मसाले मैं अपने घर में ही बनाती हूँ सभी कुछ। बहुत ही एंशियंट डायरी है ये, म्यूजियम में जाने वाली। बट ये बहुत कंटेंटफुल है, मतलब इसमें बहुत सारे अचारों की रेसिपीज है। और जो हमारे यहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना, जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हम मारवाड़ी फैमिली से हैं, तो मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स तो मुझे नाम भी नहीं पता है जो इस डायरी में सब मुझे लिखे भी कुछ याद नहीं रहते, तो मैंने लिख लिए। हाँ, जैसे इतनी पूछ पूछ के सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मंडे है और अभी मॉर्निंग के 5:30 हुए हैं। मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। मन तो बहुत करता है, सुबह सुबह वाली नींद सबको बहुत प्यारी होती है, बट वो 5 मिनट का आलस छोड़ के बस आप उठ जाइए एक बार कोशिश करके बेड से, फिर बहुत एनर्जी बॉडी के अंदर आपको फील होगी। और सुबह सुबह उठने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट कर लिया और मैं डांस विद दीप्ति का चैनल लगा के एक्सरसाइज कर रही हूँ। जो मॉर्निंग का वर्कआउट होता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। और उन्होंने रिसेंटली अभी एक वर्कआउट पोस्ट किया था, जो उन्होंने पूरा कृष्ण भजन पे वर्कआउट कंपोज किया है। आई रियली लव दैट वर्कआउट। सुबह का जो मेडिटेशन वाला शांत वाला टाइम होता है, वो आप वर्कआउट करते करते भगवान का नाम लेके एंजॉय करते हो, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। 27 मिनट्स का वर्कआउट था एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एसी में वर्कआउट कर रही थी तब भी मुझे पसीना आया। तो बस वर्कआउट करने के बाद अपनी मॉमी ड्यूटीज़ पे लगते हैं। मैंने आज आंवला जूस बनाया था। ये ड्रिंक मैं चेंज करती रहती हूँ जो मॉर्निंग में लेती हूँ, जिससे कि मुझे डिफरेंट ड्रिंक्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। और आज बच्चों के टिफिन के लिए मैं अप्पम बनाऊँगी, तो यहाँ पे घोल बना के रेडी कर लिया। अच्छा, जब भी मैं इस तरीके से तड़का लगाती हूँ ना, तो गैस ऑफ कर देती हूँ जब तेल गर्म हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गैस जब हम बंद नहीं करते ना, तो फ्लेम एकदम ऊपर आ जाती है। तो जस्ट अवॉइड दैट सीन, मैं गैस ऑफ करके फिर करी लीव्स डालती हूँ और उसके बाद सारे तड़के को मिक्सचर में मिला दिया। और ये हमारे पास अपम पैन है, बस इसको अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जो फर्स्ट बैच होता है ना, उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीसिंग करनी पड़ती है, और फिर इवेंचुअली जैसे आप बैच बनाते जाएंगे तो ग्रीसिंग आप थोड़ी कम भी करेंगे तो आराम से ये निकल आते हैं मोल्ड्स में। ये थोड़ा थोड़ा बैटर मैं फिल कर दूंगी सारे मोल्ड्स में, और इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर लिया था, तो ये एकदम फूल के अच्छे बड़े बड़े बन जाते हैं। आज टू बी ऑनेस्ट, मैं जब बनाना फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था तो मैं बेकिंग सोडा ऐड करना भूल ही गई थी, फिर मैंने बाद में ऐड किया था। बच्चों के टिफ़िन में आजकल मैं अब उनको केचप नहीं देती हूँ, जो घर में मीठी चटनी बनी हुई होती है इमली की, वो डालकर पैक करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया, और सारे बच्चे जो घर में एक डिश बनती है वही सब लोग टिफ़िन में लेके जाते हैं। और आज सावन का सोमवार है, जब बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं भी आ गई थी मंदिर भगवान जी के दर्शन करने, पूजा करने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बस अभी मैं थोड़ी देर पहले मंदिर से आई। आज सावन का 3rd सोमवार है और आज भी मेरा फास्ट है। वैसे तो बहुत सारे लोग पूरा सावन फास्ट करते हैं, मैं सिर्फ मंडे का फास्ट करती हूँ। मम्मी भी मेरे साथ मंडे का ही फास्ट करती हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्पेशल बनता है फास्ट का, जो अलग खाना होता है वो नहीं, जो घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का खाना, मोस्टली तो आलू की सब्जी बनती है, पराठा बनता है, जवे की खीर बनती है। सावन में जवे की खीर बहुत अच्छी मानी जाती है और खाई जाती है, तो वो बनती है। और साथ में वही अचार मिर्च जो भी आपको लेना है वो ले लो। तो उस टाइप से हम लोग लंच ही कर लेते हैं, काफ़ी लोग शाम को खाते हैं तो हम लोग लंच में खा लेते हैं अपना व्रत का खाना। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही मैं आके बैठी थी, वैसे ही केशु की टीचर का फोन आया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूरे रास्ते आज वैन में वो वॉमिट करता हुआ गया है। वो बोल तो रहा था सुबह जब मैं उसे दूध और रस खिला रही थी, मम्मा आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे स्कूल नहीं जाना। बट समटाइम्स वो ना ऐसे भी बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना। बट आज उसने बोला तो मुझे लगा शायद ऐसे ही बोल रहा होगा। बट अभी कोई उसे पिकअप करने जाएगा, देखती हूँ अगर कोई अवेलेबल होगा तो, अदरवाइज फिर मैं जाऊँगी। एक्चुअली ना ये जो मौसम होता है ना, इसमें
अक्सर वायरल बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, और होता क्या है कि ह्यूमिडिटी की वजह से हम मोस्टली एसी में बैठते हैं, फिर बाहर निकल गए, फिर अंदर आ गए, तो सर्द गर्म हो जाता है, और फिर कभी ठंडा पानी पी लिया तो गला बैठ जाता है। तो मेरे गले के साथ भी कुछ दिन से ऐसा ही हो रखा है। लास्ट कुछ दिन तो मतलब आवाज नहीं निकल रही थी, फिर मुलेठी का पानी पी पी के अपना गला थोड़ा सा ठीक किया, बट अभी भी ना कफ बहुत ज्यादा है गले में, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट चलो ये सब तो चलता रहता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपने जो अचार की रेसिपी है मम्मी की वो एंजॉय की होगी। मैंने वो काफी दिन पहले शूट की थी बट आज शेयर कर रही हूँ, और अब तो अचार इतना परफेक्टली बन गया है ना कि मतलब मजा आ जाता है खाने में, खट्टा खट्टा अचार। आप लोग जरूर ट्राई करना, और अभी तो अंबारी का मौसम है, मिल जाएगी आपको आराम से लोकल मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात करते हैं, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी तीज। मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कौन कौन तीज सेलिब्रेट करता है। बाय बाय।